अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 2040 एंड 80 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उन वैल्यू को हम प्राइम नंबर से ही कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए, हमारे पास वन ना आ जाए। अब दूसरी बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, जैसे कि 2, 3, 5 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। तो ये वाली वैल्यू जिनके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इन्हें हमें इन प्राइम नंबर्स में से जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है उससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है हमारे पास, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 20 आता है 10 पे, 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को हमें यहाँ 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 20 जो है उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 40, 40 के लास्ट में भी 0 है इसलिए वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे एंड 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 10 पे, 10 भी बिल्कुल आता है 2 के टेबल में 5 पे, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 80, इसके लास्ट में भी इवन नंबर ही है, 0 है, तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे एंड 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 20 पे, 2 के टेबल में 20 भी बिल्कुल आता है 10 पे, 2 के टेबल में 10 भी बिल्कुल आता है 5 पे, और 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 20 के, जो कि हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 40 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में हमारे पास 80 है जिसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2s हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में हमारे पास है 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स मींस ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में सेम है। ठीक है, तीनों में सेम होंगे तभी हम उसका पेयर बनाएंगे। जैसे कि 2 तीनों में मौजूद है, पेयर बना और पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिखा। ये 2 भी तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे भी हमने एक बार लिखा। उसके अलावा ये 5 का भी हमें पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तीनों में फैक्टर मौजूद होगा तभी उसका हम पेयर बना सकते हैं, अगर 2 में होगा तो हम उसका पेयर नहीं बना सकते। उसके अलावा हमें और कोई ऐसा यहाँ प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो, सिर्फ हमें 3 ही कॉमन फैक्टर मिले हैं। अब HCF के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉमन फैक्टर को कर देंगे मल्टीप्लाई। सॉरी, यहाँ मैंने m लिख दिया, ये m नहीं, ये कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे f आएगा, कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 5 इज 20, यानी कि हमारा HCF जो है इन तीनों वैल्यूज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है और वो है हमारे पास 20। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF फाइंड आउट कर लिया। ऐसी मेथड को फॉलो करते हुए आप या किसी भी वैल्यूज का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।